कला भवन, ललित कला भवन में ये जो हमारी फ्री योग क्लास चल रही है, हमारी बहन यशोदा और दूसरे दयानंद जी और सुधीर जी, सुधीर किधर है? उधर आ जाओ, पीछे आ जाओ। हाँ जी, कोई ना, करेंगे साथ साथ कर लेंगे बैठे। तो ये जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर योग करा रहे हैं, अभी साथ में करेंगे, पीछे दूर दूर तक बैठे, ऐसे एक जगह नहीं बैठना। जो योग कराते हैं बस बहुत ज्यादा नहीं, इतने बैठो कि जितने मंच पे समा जाओ। और पूज्य मनहास बाबू जी भी इधर आ जाओ, आ जाओ, आप तो हमारे पिता समान है, आ जाओ इधर आ जाओ, हमारे संरक्षक हैं। और ये हमारी श्रद्धा की बेटी है, श्रद्धा हमारी बेटी ने खूब सेवा की है। तो आज मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मैंने नियम लिया हुआ है, अजो मनोज बाबू जी उधर बैठ जाएंगे थोड़ा आगे, मैंने नियम लिया हुआ है कि 365 दिन योग करवाना है, एक दिन भी योग में अवकाश नहीं। मैंने ऐसे तो लगभग 40 साल हो गए छुट्टी की छुट्टी कर रखी है, 40 साल से मैंने एक दिन भी आराम नहीं किया। मैं बोलता हूं आराम हराम है। तो अब योग की कक्षा में जो आप नियमित करवाते हैं, देखो योग की कक्षा में टोटल जो हमारे डिफरेंट एक्टिविटीज होते हैं उनको काउंट करोगे तो लगभग 100 से ज्यादा एक्टिविटीज हो जाती हैं। एक योग की कक्षा में कितने एक्टिविटी, यदि हम 100 यदि हम दौड़ते हैं तो एक एक्टिविटी होती है, चलते हैं तो एक एक्टिविटी होती है, खेलते हैं तो एक एक्टिविटी होती है। देखो अब फर्स्ट एक्टिविटी शुरू करते हैं, आप भी करो बेटू, सबको करना है, करती है ना, ऐसे लंबे गहरे श्वास लेना और छोड़ना, डीप ब्रीदिंग। ये एक्टिविटी कम से कम 2 से लेकर के 5 मिनट एक चरण हुआ है। डीप ब्रीदिंग करने से पंच प्राण, पंच कोश, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, अंतःकरण चतुष्टय, 72,72,10,201 नाड़ियां, अष्ट चक्र, नव द्वार, एक एक सेल उससे बनने वाले टिश्यू, जीन्स, क्रोमोजोम्स, उस सेल के जीन्स क्रोमोजोम्स डीएनए से लेकर के उससे बनने वाले टिश्यू ऑर्गेन पूरा सिस्टम एनर्जाइज हो जाता है। ऐसे तो ये 2 से 5 मिनट करना, सबके शरीर में सब रोग होने की संभावना है। एवरी पर्सन हैव एवरी डिजीज इन द बॉडी, एवरी पर्सन हैव कैंसर सेल्स इन द बॉडी। इसलिए मैं कहता हूं आपने योग नहीं किया तो रोग होंगे। इफ यू डिनाई योग इन डेली लाइफ देन डिजीज विल बी इंटर इन योर लाइफ। देखो एक हुआ भस्त्रिका, आप दूसरी एक्टिविटी कपाल भाती, क्या नाम है आपका गुड़िया, आद्या भी अच्छा कर रही है, करो। सब बच्चों का ऐसा स्वभाव बना दो, पद्मासन में बैठ सकते हो आप, तो जो बच्चे हो पद्मासन में बैठो, जो शेष हैं वो सुखासन में बैठो, सिद्धासन में बैठो, और ये कपाल भाती ये भी 5 से 10 मिनट डेली करना है सबको। मैंने सबसे आह्वान किया है कि 1 घंटा सुबह घर से बाहर निकलो, हम घरों में बैठे रहे, इसलिए हमारा योग, हमारा धर्म, हमारी सनातन परंपराएं, हमारी संस्कृति कमजोर पड़ गई। हमारे मुस्लिम भाई
नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, संगत छद्वम, उनमें सामूहिकता का भाव आता है, उनमें जागरूकता रहती है। हिंदुओं ने घर में ही मंदिर बना लिए, घर में ही योग करेंगे, घर में ही ध्यान करेंगे, सब काम घर में, थोड़ा बाहर भी निकलो। सोशल होने का मतलब 10-20 लोग इकट्ठे होकर के पब में दारू पीना नहीं है, ये कल्चर तो दूसरों का है, आसुरी कल्चर है। तो सब करो, ये ऐसे नियम बनाओ कि मैं जहां भी हूं, चाहे 10-20 लोग हो, 50 हो, 10 लोग तो कहीं भी मिल जाते हैं, कुछ भी करोगे तो 10 लोग तो आपके साथ सम्मिलित हो जाएंगे। करो सब, और शांत होकर के करो, मूलाधार से सस्रार तक। मैंने कहा था ना, योग की कक्षाओं को हमें उसमें वैल्यू एडिशन करना है। अपने भीतर भगवान ने अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत सामर्थ्य दिया हुआ है। जब ऐसे योग करते हैं तो हम अपने अंत शक्तियों को, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, गुरु, सहस्रार चक्र की शक्ति को जगाते हैं, अपने आप जागती है। जैसे खेत में बीज डाल दो तो अपने आप फसल होती है। तो ये प्राणायाम और ओंकार, ओंकार ये बीज मंत्र है। प्राणायाम ये उसको खाद, उसको जल, उसको ऊर्जा देने वाला, जैसे खेत में बीज डालते हैं, तो ओंकार का बीज मंत्र है, मन ही मन ओम ओम ऐसे मंत्र, ओंकार का नाम जप। भगवान का नाम सबसे बड़ी औखद है, ऐसा गुरु ग्रंथ साहब में भी कहा है, ऐसा वेदों में कहा है। ओंकार का जप, प्राणायाम का तप करने से सारे रोग, सारे विकार, सारे दोष दूर हो जाते हैं और हम बलवान बनते हैं, बुद्धिमान बनते हैं, चरित्रवान बनते हैं, महान बनते हैं। आंख बंद करके करना, और करते करते आप खुद देखेंगे कि पूरा जीवन रूपांतरित होता है, हम आत्म केंद्रित होते हैं। देखो कपालभाति करते रहो, हमारी दो स्थितियां हैं, शरीर की, इंद्रियों की, मन की, चित्त की, चेतना की, जीवन की, एक लोअर कॉन्शियस, एक हायर कॉन्शियस। जैसे हम योग करने लगते हैं तो लोअर कॉन्शियस से ऊपर उठ जाते हैं, हमारा मूल स्वभाव अध्यात्म है। मेरे साथ सब बोलो, स्वभाव अध्यात्मम उच्यते। गीता के 8वें अध्याय का 3रा श्लोक का यह अंश है, अक्षर ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्मम उच्यते, भूत भावोद्भव करह विसर्गो कर्म संजित। अध्यात्म हमारा स्वभाव है, स्पिरिचुअलिटी इज अवर बेसिक नेचर एंड बेसिक कल्चर। ऐसा करते करते ये शरीर शुद्ध हो जाता है, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, प्राण, आत्मा, ये। और ये सामान्य रूप से 5-10-15 मिनट, और असाध्य रोगों को आधा आधा घंटा हम करा देते, और असाध्य रोगों को हमने मिटाया है, साइंटिफिक एविडेंस हमारे पास ऐसा। खैर, ऐसे ये रोज करना, जो बड़ी उम्र वाले उनको तो 15-20 मिनट, आधा आधा घंटा करना, तो बुढ़ापे का सहारा बेटा बेटियां नहीं है, बुढ़ापे का सहारा दवा नहीं है, बुढ़ापे का सहारा दुनिया की बाह्य चीजें नहीं है, बुढ़ापे का सहारा भी योग है, और इस जन्म का साथी भी योग है, अगले जन्म का साथी भी योग है। हाँ,
जो हमारे योग शिक्षक दूसरी कक्षाओं से आए हैं उनकी क्या नाम है, श्रवण कुमार गुप्ता जी, आपकी कक्षा चल रही है ना वहाँ? हाँ, जो भी कक्षा ले रहे हो किसी की कक्षा बंद नहीं होनी चाहिए। 365 दिन की है, तो श्रवण जी के लिए भी एक बार ताली बजाओ। ऐसे सबको व्रत लेना है कि मुझे ये सुबह सुबह का समय, ये मेरे देश के लिए, धर्म के लिए, जिस धर्म में मैं पैदा हुआ हूं, जिस देश में मैं पैदा हुआ हूं, मेरा मूल धर्म ऋषि धर्म है, राष्ट्र धर्म है, भागवत धर्म है, ब्रह्म धर्म है। ब्रह्म माने परमात्मा। हमारा मूल धर्म क्या है? योग धर्म। क्या है बोलो? ब्रह्म धर्म। इसको ब्रह्म माने भागवत धर्म, ईश्वर धर्म, ब्रह्म धर्म, राष्ट्र धर्म, सेवा धर्म, ऋषि धर्म, ये हमारा मूल धर्म है। इसके लिए ये घंटा देना है सबको, ठीक है? अध्याय रोज करती हो ना कपाल भाती? रोज करना। हाँ, फिर तेरे को हरिद्वार बुला रहा हूं तेरी माता जी के साथ। तो अब अगला कपाल भाती हो गया, अब बाह्य प्राणायाम करना है, क्योंकि लगभग एक घंटा में हमें पूरा करना है सब, एक से सवा घंटा में। योग की क्लास ऐसे एक सवा डेढ़ घंटे के लिए करो, इतना सब कर लेते हैं। अब बाह्य प्राणायाम में थोड़ा अभ्यास चाहिए, श्वास बाहर छोड़ के बाहर रोक देंगे। जालंधर बंद, उड्डयन बंद, मूल बंद। तीन बंद पूर्वक ऐसा करना, और फिर अग्निसार कर लो थोड़ा। किसी का पेट बहुत अच्छा है तो फिर नोली क्रिया में तो बैठ के भी कर लेता हूं। अब इतना नियंत्रण आने में तो आपको थोड़ा समय लगेगा। अब उज्जाई कम से कम एक बार जरूर करवा दो क्लास में, उससे गला ठीक रहता है। श्वास भर के फिर रोकना, आधा एक मिनट, अधिकतम दो मिनट तक रोक सकते हैं। प्राण को रोकने से मन एकाग्र हो जाता अपने आप। ऐसे कम से कम एक बार, नहीं तो तीन से पांच बार। थायराइड है तो 7, 11, 21 बार भी कर सकते हैं। थायराइड क्योर हो जाता है। कपाल भाती, उज्जाई, सिंहासन, फिर ये ऐसे ग्रीवा संचालन, और फिर जिससे बन पाए तो वो कर लेना, सर्वांगासन या हलासन। थायराइड क्योर। अब अनुलोम विलोम, सबको करना है। 5 मिनट से पहले कोई भी रुकेगा नहीं, ठीक है? लगातार करें साहब। करो सब, सबके लिए जरूरी है। मैंने रात को 8-9 बजे प्रोग्राम बनाया है यहाँ का। 10 बजे तो मैंने ट्वीट किया था कि मैं, वो ट्वीट में जामबूरी लिखा गया, तो बोले जी जामबूरी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अनुलोम विलोम करो। और अभी भी ये फेसबुक लाइव हो रहा है, यूट्यूब पर लाइव हो रहा है, ट्विटर पर लाइव हो रहा है, और आस्था पर भी लाइव हो रहा है। तुम्हारी क्लास वर्ल्ड फेमस हो गई यहां से। यशोदा माता।
अनुलोम विलोम करो। सब बच्चे करेंगे और भाव से करो। अनुलोम विलोम लय के साथ करना, रुकना नहीं। अब योग के क्या क्या फायदे? योग से सब रोग मिटते हैं, बीपी क्योर, थायराइड क्योर, डायबिटीज क्योर, अर्थराइटिस, अस्थमा, सब बीमारियां क्योर होती है, कंट्रोल होती है पहले, फिर धीरे धीरे क्योर। रोग मुक्त, दवा मुक्त, व्यसन मुक्त, हिंसा मुक्त, झूठ बेईमानी दुराचार अनाचार व्यभिचार लूटमार मुक्त। यहां बहुत से संतों ने अभियान चलाया, टंटा मुक्ति, व्यसन मुक्ति, रोग मुक्ति, पाप मुक्ति। अनुलोम विलोम करो, ये बहुत जरूरी है, करो सब लगातार करो। माने अष्टांग योग अपने आप जीवन में आता है, जो योग करते हैं, आसन प्राणायाम ध्यान लगाते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। और हटते क्या है? यम नियम अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यम शोच संतोष तपस स्वाध्याय ईश्वर धानानि नियम। यम नियमों के जो विपरीत आचरण है, हिंसा, झूठ, चोरी, दुराचार, दुराचरण, परिग्रह, असुचिता, असंतोष, तप का उल्टा विलासिता, आस्तिक, स्वाध्याय का विपरीत आत्ममुक्तता और ईश्वर प्रधान का विपरीत नास्तिकता, इनसे मुक्ति हो जाती है हमारी। अनुलोम विलोम लय के साथ करें, ध्यान के साथ करें, हर सांस के साथ ओम और गायत्री का जप, नाम और मंत्र जप के साथ प्राणायाम का तप, ऐसे लगातार करने से। आद्या जैसे बेटी कर रही है, छोटा बेटा भी उधर बैठा है, आप भी करो छोटे बेटे, आप भी करो बेटा। छोटे बच्चे करेंगे दिमाग बहुत तेज हो जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आई क्यू लेवल बढ़ेगा, बड़े करेंगे उनका दिमाग इधर उधर नहीं जाएगा बुरी चीजों में, मन भटकेगा नहीं। हम भजन गाते रहते हैं ना, ऐसी कृपा करो भगवान मेरा मन डोले ना, रहे हर पल तुम्हारा ही ध्यान मेरा मन डोले ना, ऐसा रस रस नामे भर दो मन के बिगड़े भाव संवर दो, दे दो अमृतमय वेदों का ज्ञान मेरा मन डोले ना। तो ये मन इधर उधर डोलता रहता है, मन नहीं डोलेगा, तन मन सब ठीक। ये बहुत बड़ी प्रक्रियाएं हैं, देखने में छोटी सी लगती है, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, तो प्राणायाम में दो सबसे बड़े तत्व हैं ये। इनको जितना ज्यादा करते हैं, मैंने गले सड़े लोग जिनको सामने मौत दिख रही थी उनको ठीक कर दिया है, और सामूहिक योग करने से सबके जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं उससे हमारे सबके भीतर अपने आप दिव्यता बढ़ती है। एक नेगेटिव वाइब्रेशन होते हैं, गुस्सा करने वाले, झगड़ा करने वाले, हिंसा करने वाले, दुराचार व्यभिचार करने वाले, लूटमार करने वाले, चोर लोग, बेईमान लोग, असुर लोग, उनके अलग तरह के वाइब्रेशन होते हैं। करो अनुलोम विलोम लगातार। ये हमारे मुंबई के साधक, क्या बात है, जवारा भी बांटते हैं, एलोवेरा भी बांटते हैं, क्या जबरदस्त है, एलोवेरा बड़ा तगड़ा होता है इधर तो, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ गिलोय भी बांटते हैं, गिलोय भी है इसके साथ, यहाँ गिलोय पौधे भी बांटते हैं। ये बहुत बड़ा मिशन है, सारे देश में हम योग को गौरव दें, जड़ी बूटियों को गौरव दें, अपनी प्राचीन परंपराओं को गौरव दें। पांच मिनट से पहले किसी को रुकना नहीं है,
ये ऐसी गिलोय स्पेशल शुरू कर रखी है यहाँ, अच्छी बात। ठीक है ठीक है, रख दो। ठीक, अनुलोम विलोम ऐसे करते रहो। सुबह रोज गिलोय पीनी चाहिए, मैं भी यहां से लेकर के जाऊंगा, अभी रोज पीता हूं मैं गिलोय, और वीट ग्रास भी तुम्हारा लेके जाऊंगा। ये भी मैं लौकी का जूस, वीट ग्रास जो भी उपलब्ध होता है मैं पीता हूं। लौकी के जूस में पहले मैंने इसकी पूरी रेसिपी मैंने सामान्य बता दिया था कि लौकी का जूस पियो, अब उसको थोड़ा स्वादिष्ट बनाना है, उसमें पुदीना, उसमें हरा धनिया, हरा पुदीना, थोड़ा उसमें तुलसी, थोड़ा नींबू डाल लो, जिनको एसिडिटी हो नींबू से तो मत डालना थोड़ा, और यदि कोई बीपी आदि नहीं है तो थोड़ा सा सेंधा नमक या काला नमक डालो, इतना ज़बरदस्त रेसिपी हो जाता है। अभी जाकर के मनाज जी के घर पीऊँगा, मनाज जी के घर में हमारी बेटियाँ जो बहुएँ हैं वो लौकी की सब्जी और लौकी का जूस बहुत अच्छा बनाती है, सब पिया करो सुबह सुबह। ऐसे रोज ये 5 मिनट करना है, रिलैक्स। अब भ्रामरी और उद्गीत करेंगे। अब देखो, जो लोग दौड़ते हैं, जो लोग एरोबिक्स करते हैं, जो लोग जिम करते हैं, जो लोग खेलते हैं, दूसरी एक्सरसाइज करते हैं, उनको वो लाभ नहीं मिलेंगे जो भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जायी, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत करने वालों को मिलते हैं। स्ट्रेस नहीं मिटेगा, प्रोडक्ट एंड कार्सिस्टोल एसिटी ऐसे स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़े हुए होते हैं, ये नहीं कम होंगे। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब के लिए प्राणायाम ध्यान जरूरी है। तो अब पहले उंगली माथे पर, शेष तीन उंगली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद होगा नासिका से, और पूरी श्रद्धा से 3 बार कम से कम सबको भ्रामरी प्राणायाम करना है। आज या चक्र से लेकर के पूरी षष्ठी चक्र में एक ही ब्रह्म तो है। लंबा गहरा श्वास भर के अब भ्रामरी के बाद उद्गीत प्राणायाम, लंबा गहरा श्वास भरिए। ओ
मौन हो जाएंगे, सहज शांत होकर के आज्ञा चक्र में जहाँ तिलक लगाते हैं वहीं पर मन को टिकाएंगे। ये कंसंट्रेट करने के लिए आंतरिक त्राटक इसको बोलते हैं, धारणा इसको बोलते हैं। ये ध्यान का पहला स्टेप है धारणा, इसको त्राटक भी कहते हैं। खुली आँखों से बाहर दीपक पर, मोमबत्ती पर, चांद पर, तारों पर या भोर में सूरज पर अपने मन को केंद्रित करना, इसको त्राटक कहते हैं। जब आंखें बंद करके अंतर्मुखी होते हैं तब ये आंतरिक त्राटक हो गए, इसको धारणा कहते हैं योग दर्शन में, हठ योग में इसको आंतरिक त्राटक कहते हैं, देशबंधस्य तस्य धारणा। अब आज्ञा चक्र से लेकर के ये सारा सृष्टि चक्र भगवान ही का बनाया हुआ है, सृष्टि और सृष्टिकर्ता में भेद नहीं है, सृष्टि उस भगवान की ही कृति है, भगवान की महिमा है। दिस होल लाइव विजिबल एग्जिस्टेंस इज एक्सप्रेशन ऑफ ऑलमाइटी, लाइव एक्सप्रेशन ऑफ ऑलमाइटी। तो आज्ञा चक्र से लेकर के पूरे सृष्टि चक्र में एक ही ब्रह्म को अनुभव करना, सब स्वरूप, सब मूर्त अमूर्त रूप, विश्वमय विश्वातीत रूप में एक ही प्रभु का दर्शन करना। तो आज्ञा चक्र से लेकर के पूरे सृष्टि चक्र में एक ही भगवान की महिमा को अनुभव करना, इसको मैं शब्दों में ऐसे कहता हूं, सब स्वरूपों में ब्रह्म स्वरूप। सब स्वरूपों में क्या है बोलो? सब संबंधों में ब्रह्म संबंध, सब संबंधों में माता भगवान की बनाई हुई है, पिता भगवान के बनाए हुए हैं, संतानें भगवान की बनाई हुई हैं, गुरु शिष्य सब भगवान के बनाए हैं, मनुष्य और मनुष्यतर सब जड़ चेतन जीव जगत, पेड़ पौधे वनस्पतियां जलचर थलचर नभचर, ये सारा पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश, ये द्युलोक, ये अंतरिक्ष लोक पृथ्वी लोक सब कुछ भगवान का बनाया हुआ है, सब में वही समाया हुआ है, प्रभु तू ही तू, एक ओंकार सतनाम प्रभु, ओम तत्सत ओम ओम। मन ही मन ध्यान करें, इसको मानसिक जप कहते हैं। और ऐसे जब भगवान के साथ हम एकात्म हो जाते हैं तो भगवान के तो अनंत गुण कर्म स्वभाव, अनंत ज्ञान, अनंत ज्योति, अनंत महिमा, उस भगवान की के अनंत ज्ञान, अनंत संवेदनाएं, सामर्थ्य से हम जुड़ जाते हैं भगवान के साथ एकात्म होकर के, हम स्वयं ब्रह्म रूप हो जाते हैं। तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मयम आत्मा ब्रह्म शिवोऽहम् शिवः। तो जिसका संग करते हैं वैसे हो जाते हैं। तो भगवान का संग करना ये भगवान की उपासना, स्तुति प्रार्थना दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे। ऐसे रोज कम से कम 5 मिनट ध्यान करना। देखो कक्षा में तो बताया ही जा सकता है, प्रैक्टिस तो आपको घर में भी करनी पड़ेगी। तो चलो, मैंने आपको प्राणायाम बताया, तो जिनको ज़्यादा बीमारी उनको कपालभाति अनुलोम विलोम घर पर ज़्यादा करना पड़ेगा। जो अभी योगाभ्यास बता रहे ये घर में ज़्यादा करना पड़ेगा। जिनको बहुत अधिक बलवान बनना है तो उनको सूर्य नमस्कार 50-100 बार करना चाहिए, 10 बार तो सब किया करो। तो ये अलग अलग प्रैक्टिसेस आपको हम बता रहे हैं। अब जिनको ज़्यादा लाभ पाना है तो घर में फिर ज़्यादा करें, समूह में तो 1 घंटे की 1.5 घंटे की क्लास हो सकती है। एक्सेप्शन में कहीं कोई जल्दी शुरू कर लेता है 5:30 बजे तो 5 से 7 2 घंटे भी कर सकता है। क्लास तो 1 से 2 घंटे की हो सकती है। जो 5 बजे लेते हैं तो 5 से 7 ले सकते हैं, जो 5:30 लेते हैं वो 5:30 से 6 जो है 7 ले सकते हैं, क्योंकि फिर बाद में अपने कामों पर भी तो जाना होता है लोगों को। तो चलो अब थोड़ा बटरफ्लाई कर लो, सूक्ष्म मैम तो बहुत तरह का है, तो कम से कम 2 सूक्ष्म मैम तो बहुत इजी है ना, और इससे बॉडी रिलैक्स हो जाती है। बटरफ्लाई और ये ऐसे स्कंध चालन। अब दूसरा करो आद्या बेटी, ये वाला भी
इसका मतलब ये रोज करते हैं बच्चे भी अब, अच्छी बात है। ऐसा स्वभाव बनाओ, मैं ऐसा देश देखना चाहता हूँ जहाँ भोर में उठने से लेकर के सांझ तक योगमय वातावरण हो। सुबह सुबह योग, दिन भर कर्मयोग। सुबह सुबह क्या है बोलो, और दिन भर कर्मयोग। ऐसा चलो, ये तो थोड़ा सा ऐसा सूक्ष्म व्यायाम जो है उससे हम एकदम रिलैक्स हो जाते हैं ना। तो अब फिर क्या क्या करना, अब आसनों में कम से कम 12 आसन हम रोज करवाते हैं। अब आपकी जगह आज थोड़ी कम हो गई है तो आपकी जगह के हिसाब से आसन कराने पड़ेंगे। तो आपको एक तो बैठ के आसन करवा सकते हैं, फिर खड़े होके करवा सकते हैं, इतना ही करवाएंगे आपसे। तो बैठ करके मंडूक आसन, पेट के लिए डायबिटीज के लिए जबरदस्त है। डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाएंगे और एक आसन में एक मिनट रुकना चाहिए तो पूरा फायदा होता है। कुछ जल्दी जल्दी करते ऐसे ऐसे किया फिर ऐसे आ गए, ऐसे नहीं, एक मिनट रुकना है। ऐसे एक मिनट रुकना तो फायदा होगा कुछ तो। जाते ऐसे जाके और ऐसे 10 सेकेंड में ही वापस आ जाते हैं। लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेंक्रियास, ये सब तो पूरा ठीक होगा। ऐसे भी ऐसे रखो हाथ, अब पूरा अंदर दबेगा पेट। ऐसे कितनी देर रुकना तब लाभ होगा पूरा, तब डायबिटीज पहले ही दिन से कंट्रोल। कपालभाति, अनुलोम विलोम, मंडूकासन, फिर जो शशकासन भी कर सकते हैं, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन भी कर सकते हैं। इजी है ना, चलो कर लो, इतना तो सब बैठे बैठे कर ही सकते हैं। क्योंकि 12 आसन जो पूरा पैकेज है वो सबसे अभी नहीं हो पाएगा जगह कम होने से। फिर हाथ साइड से नीचे, ऐसे तरीके से करना चाहिए हर काम। तो मंडूकासन, फिर जिनका शरीर स्वस्थ होता है वो पद्मासन में बैठ करके भी आगे झुक जाते हैं ऐसे। पद्मासन में बैठ के आगे झुकना थोड़ा कठिन है और थोड़ी जमीन पर लगाना। तो ये
ये भी पेट और पेनक्रियाज के लिए अच्छा, बच्चों के लिए तो आसान है। बात तो बड़ों की है ना, जितने बड़े उतने कड़े हो जाते हैं, अकड़ बढ़ जाती है, अकड़ पकड़ कमजोर पड़ जाती है। खैर, तो ये पेट के लिए, डायबिटीज के लिए। फिर वक्रासन भी इजी है, ऐसे एक पैर सामने एक पैर ऐसे रखा और ऐसे घूम गए, तो ये पेट के लिए, पेनक्रियाज के लिए अच्छा है। लेट करके फिर उत्तान पादासन, नौकासन, वो भी पेनक्रियाज के लिए, डायबिटीज के लिए जरूरी है। उसको उधर से डालो माता, हाँ ठीक है ठीक है, और उसको पीछे ले जाओ उस वाले हाथ को, हाँ ऐसे करो ताई, उधर घूमो, यस ऐसे हुआ ठीक। फिर दूसरी ओर से ऐसे पैर ऐसे, वक्रासन पेट के लिए, पेनक्रियाज के लिए बहुत अच्छा है। पूरे अभ्यास में हम मंडूकासन, शशकासन, वक्रासन, गोमुखासन, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, मरकटासन, पवन मुक्तासन या उत्तान पादासन जो बन पाए, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिका आसन, ये जो पूरा पैकेज है इसमें सब थोड़ा थोड़ा सब आ जाता है, पूरे शरीर के लिए, मोटापा के लिए, पेट के लिए, डायबिटीज के लिए, स्पाइनल कॉर्ड के लिए सब आ गया। फिर ऐसे ही कर लो पश्चिमोत्ताना, आगे झुक के कोशिश कर लो माथा घुटनों से लग जाए, ट्राई तो सभी कर सकते हैं। गोमुखासन तो इजी है ही है, पैर नीचे दाएं ऊपर पहले, और जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर, दूसरा हाथ पीछे से लिया और ऐसे कर लिया। सबका ठीक हो रहा है ना? फिर दूसरी ओर से करो, ऊपर वाला हाथ कान से लगा हुआ दिया, ये भी पास में लाओ ऐसे, ये ऐसे हो गया, आप देखो ठीक ऐसे करना। फिर बैठ करके ही कर रहे हैं ना, तो थोड़ा उष्ट्रासन कर लो, ये तो इजी है, जिनसे ऐसे नहीं होता ना पूरा, तो ऐसे बैठ करके उठ जाएं, जो ये तो उनके लिए होगा जिनका शरीर थोड़ा भारी भरकम है, और बाकी ऐसे हाथ को ऐसे लाएं, ऐसे लाएं और ऐसे लाएं। इससे का फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग करने से हमारा बैलेंस अच्छा हो जाता है। देखो हमें तो 3x3 की जगह मिल जाए उसी में योग करा सकते हैं कई घंटों, इसलिए आपको जितनी जगह मिली हुई इतने में करवा दे रहा हूं। पीछे लेट गए तो ये सुप्त वज्रासन हो गया, ऐसे चलो बैठो, तो ये थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। चलो खड़े हो जाओ, अब खड़े हो करके करने वाले योगाभ्यास बहुत है, स्ट्रेचिंग भी हो जाती है खड़े हो करके कई प्रकार से।
सबसे पहले ताड़ासन, पूरा खींच के रखते, सांस को बाहर छोड़ दो, पेट को भी अंदर खींचो, फिर नीचे, फुल बॉडी स्ट्रेचिंग हो गई ना, श्वास को बाहर छोड़ दिया और पेट को भी अंदर खींच लिया, हाथ पैर पेट पीठ पूरा शरीर खींचा हुआ ना। चलो श्वास अंदर भर के एक बार हाथों को उठाया ऊपर पूरा, फिर श्वास बाहर छोड़ के पेट को भी अंदर खींच दो, फिर नीचे, तो पूरी स्ट्रेचिंग हो गई ना, फिर दोनों पैरों में फासला, हाथ ऊपर और ऐसे जितना हो सके तिर्यक ताड़ासन, एक तरफ से फिर दूसरी ओर से घुटने सीधे, साइड में झुकना पड़ता है इसे, त्रिकोणासन के दो रूप होते हैं, एक तो ये पैरों को खोल के ऐसे ऐसे सिंपल फर्स्ट स्टेप ऐसे, ऊपर वाला हाथ कान से लगा हुआ तेरे नीचे की ओर, नीचे वाला हाथ टखने के पास ऐसे, इतना तो सब इजीली कर लेते हैं, ये योगिक जोगिंग में भी करवा देते हैं ना, इससे साइड की स्ट्रेचिंग अच्छी हो जाती है। इसका दूसरा रूप होता है, जैसे आप दोनों पैर सामने, अब दाएं पैर को ऐसे राइट साइड में ऐसे घुमा दो और फिर ऐसे करेंगे और यह हाथ नीचे आएगा, दोनों हाथों के खिले सामने, ऊपर वाला हाथ ऐसे देखते, ये दूसरा अभ्यास हो गया, सेकंड पोज त्रिकोणासन का, ऊपर वाले हाथ को देखो सामने हथेली, फिर वापस, फिर दूसरी ओर से दोनों पैर सामने है ना, बायां पैर ऐसे घुमाओ बाईं ओर ले गए, अब दाएं पैर ऐसे ही सामने ही रहेगा, पंजा बाएं पैर का पंजा बाईं ओर, फिर उसको ऐसे कर दिया, फिर ये हाथ नीचे गया उसकी हथेली भी सामने, ये हाथ ऊपर वाला उसकी भी हथेली सामने, कंधे के ऊपर से हाथ को देखना है, पूरे झुक जाना है साइड, थोड़ी देर रुकना है इसी स्थिति, थोड़ी थोड़ी देर करवा रहा हूं, त्रिकोणासन हो गया, फिर कोणासन में पैर खुले हुए ऐसे, ऊपर वाले हाथ के सामने की ओर उसको देखा कंधे के ऊपर से, फिर दूसरी तरफ से ऐसे ही देखा, ये तो धीरे धीरे किया, और यदि इसको फास्ट करते हैं तो ऐसे फास्ट हो जाता है, तो पूरे शरीर की स्ट्रेचिंग हो गई, फिर पैर पास में, हाथ ऊपर, फिर आगे झुक गए, माथा घुटनों से लगाया, कोशिश करें जितना लग पाए, कमर में दर्द है आगे नहीं झुकना, हर्निया पीछे नहीं झुकना, हार्ट आईबीपी की प्रॉब्लम है जोर जबरदस्ती कुछ ना करना, फिर ऊपर ऐसे आराम से ये पादहस्तासन हुआ, इसको बाद में तेजी से भी कर सकते हैं, मेरे कहा ना 100 से ज्यादा एक्टिविटी हो जाती है एक योग क्लास में, कितनी एक्टिविटी और बाकी एक्टिविटी में यही अंतर है, उससे 100 गुना लाभ होता है, इसलिए इसमें सामान्य चलने दौड़ने घूमने फिरने खेलने कूदने से कितना ज्यादा लाभ होगा योग में, 100 से ज्यादा गुना लाभ, बॉडी माइंड सोल पूरा हमारे अस्तित्व का इसमें इन्वॉल्वमेंट है और डिफरेंट एक्शंस हैं, खैर तो जो करेंगे उसका फल मिलेगा, क्रिया का कर्म फल प्रतिक्रिया ये तो मिलती, खैर अब थोड़ा पीछे झुक गए, जिनको चक्कर आते हो वर्टिगो सर्वाइकल स्प्लेनिस पेन हो मत करना,
वो बस खाली इतना करना बस, बाकी ऐसे अर्ध चक्रासन में ऐसे वापस। ज्यादा करते हैं ना तो कोई कोई चक्कर खा के गिर जाते हैं, इसलिए सावधानी पूर्वक करा ना। कई लोगों को मैंने देखा ऐसे करते पड़ जाते हैं और उससे फिर इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, वो नहीं करना, ठीक है। अब सूर्य नमस्कार, आपको जगह कम है लेकिन फिर भी हाथ पैर पेट पीठ फुल बॉडी इन्वॉल्वमेंट होता है ना, तो जितना जितना पॉसिबल है, कोई नहीं अभी ज़्यादा जगह नहीं है, जितना अब जगह होगी उतना, अभी टेढ़े टेढ़े होने से भी तो तभी हो पाएगा जब पीछे पैर तो खुले, तो जितना संभव है एक दो चार दस कर लेना, प्रतीकात्मक करवा देते, उससे पूरे शरीर को ऊर्जा मिलती है ना, फुल बॉडी एक्सरसाइज है इसमें। प्रणाम आसन, फिर ऊर्ध्व हस्तासन, फिर आगे झुके तो पाद हस्तासन, इतना तो सब कर लेंगे। फिर दाहिने पैर पर बैठ गए, दक्षिण अश्व संचालन आसन, फिर दाएं भी पीछे पर्वतासन, फिर झुक गए तो साष्टांगासन, फिर उठ गए तो भुजंगासन, फिर बीच उठे तो पर्वतासन, फिर बायां आगे पूरा परफेक्शन, पीछे पैर सीधा, सामने से उठे कमर झुकी भी सिर उठा हुआ पूरा, फिर दाएं पैर आगे माता घुटनों से लगाया, फिर हाथ ऊपर और फिर दोनों हाथ ऐसे तो ऐसे ये जब 10 20 25 बार आप करेंगे तो पूरा शरीर हाथ पैर पेट पीठ पूरा बॉडी आपकी परफेक्शन में रहेगी, सुंदर सुडोल स्वस्थ रहेगा पूरा शरीर, तो ये फुल बॉडी स्ट्रेचिंग भी हो जाता, फुल बॉडी एक्सरसाइज। और माने खास करके मुंबई के लोगों को तो शरीर से भी सुंदर दिखने का बड़ा शौक है, ऐसे तो सारी दुनिया में किसको अच्छा नहीं लगता वो सुंदर दिखे, खास करके छोटे बच्चे और जवान तो बहुत सुंदर दिखना चाहते हैं, बूढ़ों का काबू नहीं लगता सुंदर तो वो भी दिखना ही चाहते हैं। तो योग से सूर्य नमस्कार से बॉडी की कटिंग बहुत अच्छी हो जाती है, हाथों की पेट पीठ कमर पूरे शरीर की ना कटिंग बहुत अच्छी रहेगी, तो आप पूरे शरीर को स्वस्थ सुंदर सुडोल आकर्षक बनाना है तो सूर्य नमस्कार 10 बार से लेकर के 25 50 बार तक कर सकते हैं। एक्सेप्शन में जिनको बहुत ही ज़्यादा बल बढ़ाने का शरीर सुंदर बनाने का शौक है तो 100 बार कर लो, चलो अब ये तो सभी कर लो, योगिक जोगिंग ये बड़ा ईजी है, थोड़ी जगह में हो जाता है, ये पहला अभ्यास हुआ, इसमें भी फुल बॉडी इन्वॉल्वमेंट है। लंबे लंबे श्वास, ये पहला अभ्यास हुआ, फिर दूसरे में हाथ पूरे ऊपर उठेंगे, पैर पीछे से एड़ी नितंब से लगे, एड़ी पीछे हिप से लग जाती है, लंबे लंबे श्वास, ये भी फुल बॉडी एक्सरसाइज है योगिक जॉगिंग भी, लंबे लंबे श्वास ऐसे। फिर जो बड़े बुजुर्ग हैं वो ऐसे ऐसे कर ले, क्या दिक्कत है, ऐसे ऐसे। फिर तीसरा अभ्यास, घुटना ऐसे छाती से लगता है, ऐसे देखो ऐसे, तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी तभी तो होगा ना, फिर इसको फास्ट करते हैं तो ऐसे हो जाता है। चलो अगला अभ्यास, ऐसे सीधे की सीधे बैठना ऐसे, तो घुटनों के लिए अच्छा है, फिर इससे ये 10-20 बार ऐसे कर लेते हैं, फिर पैरों का सामने ऐसे खोल लेते हैं, फिर एक एक पैर पर बैठना, इतना तो सब कर लेते हैं, आधा तो सब बैठ जाएंगे, पूरा बैठने में थोड़ा सा ज़्यादा स्टेमिना लगता है ना, फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा चाहिए। सूर्य
देश तो पक्का पहलवान है ना, फौजी आदमी है। पहले कौन सी सेना में था? एयरफोर्स में था, हवा वाली सेना में था। अभी भी हवा में उड़ता रहता है, करता ही रहता है, हवाई स्पीड से चलता है। एक पैर ऐसे, पीछे वाला पैर पूरा सीधा, जितना हो सके अच्छे से स्ट्रेचिंग हो जाती है ना। तो सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। और फिर दोनों हाथ सामने, ऐसे दोनों हाथ देखो कंधों के समानांतर, देखो ऐसे ऐसे ऊपर से नहीं जाएंगे, देखो ऐसे सामने से ऐसे ऐसे कंधों के बराबर होके ऐसे आएंगे, ऐसे पूरे परफेक्शन के साथ। चाहे धीरे करें या तेजी से, तेजी से क्या, देखो चलो। फिर ये वाला भी फास्ट किया तो ऐसे और ऐसे, ऊपर वाला हाथ भी सीधा, नीचे वाला भी नीचे तक जाए, फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप बढ़ेगी। इसको 25-50 बार कर लिया तो अपने आप ही साइड का फैट मेल्ट हो जाएगा, मोटापा बढ़ेगा ही नहीं, मोटापा नहीं, बीपी नहीं, शुगर नहीं, स्ट्रेस नहीं, गैस कब्ज एसिडिटी नहीं, कोई लाइफस्टाइल डिजीज नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। योग से निरोग जीवन, तन से भी मन से भी। फिर क्रॉस करके कोशिश करें घुटने सीधे रहें और अधिकतम आप झुकें, तो इससे स्ट्रेचिंग अच्छी हो जाती है। देखो जितना शरीर हमारा नियंत्रण में रहेगा, फ्लेक्सिबल रहेगा, कंट्रोल में रहना चाहिए सब कुछ। ये पाद हस्तासन भी ऐसे तेजी से कर सकते हैं योगिक जॉगिंग में। ऐसे फिर शरीर में एनर्जी आ जाती है। और इसमें ऊपर से नीचे तक एक मिनट करके देखो मेरे साथ, ऐसे हाथ जिधर जाएंगे उधर ही कुल्ले, दूसरी तरफ पंजे, ऊपर से नीचे तक पूरे शरीर का मंथन हो जाता है, पसीना आ जाएगा एक मिनट में। खाली 50 बार किया, ज्यादा करने में तुम्हारा पूरा शरीर ऊर्जा से भर जाता है। बैलेंस के लिए दो आसन करवा देते हैं। चलो वृक्षासन, दूसरी ओर से संतुलन रहना चाहिए ना शरीर का। ऐसे एकाग्रता रहनी चाहिए, वो
बच्चे कर पाते हैं थोड़ा गरुड़ आसन में, तो और ज्यादा संतुलन चाहिए ना। उसका तो बहुत अच्छा बैलेंस है, ऐसा बैलेंस रहना चाहिए। ऐसे किया दूसरे पैर से भी, ऐसे बैलेंस तो बनाना पड़ेगा। हाँ बच्चों का हो जाता। मैंने तो ऐसे प्रैक्टिस कर रखी है कि एक सेकंड में ऐसे। अब इसके लिए तो तुम्हें फिर ठहरना उसमें, फिर दंड बैठक लगाता हूं मैं पूरा। जैसे ये तो हल्का है ना, आधा, ये तो सब कर सकते हैं। फिर ऐसे लगाता हूं 25-50 बार, ऐसे 12 तरह के करवाता हूं। फिर मैं 100 बार बैठ जाऊं, फिर मैं 100 बार करता हूं। वैसे तो 10-10 बार करके सभी करता हूं, लेकिन सब करने के लिए जगह नहीं है, इसलिए 100 बार करेंगे। ठीक है, ठीक है, बैठो बैठो। 100 बार करेंगे कैसे, मैं इसको, ये सर्पदंड है ना, इसको 100 बार लगाता हूं। चलो आप गिनो, ऐसे 100 बार है? 120 हो गए, ऐसे मजबूत है शरीर रहना चाहिए। तो देखो, कमजोर व्यक्ति को कोई जीने नहीं देता, कमजोर व्यक्ति को बीमारियां नहीं जीने देती, कमजोर व्यक्तियों को घर में नहीं जीने देते। तन से कमजोर हो, मन से कमजोर हो, मनोबल से, आत्मबल से कमजोर हो, धन बल से कमजोर हो, संख्या बल से कमजोर हो, कमजोरों के लिए धरती सर्वाइवल का सिद्धांत पढ़ा है ना, जो फिटेस्ट होता है, जो पावरफुल होता है, वही सर्वाइव करता है, बाकी तो इतिहास का हिस्सा बन जाते हैं, भूतकाल का बन जाते हो। सुनो, आज आपको हमने थोड़ा थोड़ा सब करवाया, अब फिर से बैठ जाओ, क्योंकि जगह की कमी थी, इसलिए हमने आप लोगों को सिद्धासन, बायां पैर नीचे दायां ऊपर, ये सब कर सकते हैं ना, ऐसे बायां पैर नीचे दायां ऊपर, पंजा एक दूसरी पिंडली जंघा के बीच में, ये सिद्धासन है, इसमें सब बैठ सकते हैं। जो ऐसे भी ना बैठ सकते हो तो बस ऐसे ही बैठ जाएं, पैर मोड़ के। और जिनका शरीर ठीक ठाक है, घुटनों में ज्यादा दर्द नहीं है, तो पद्मासन और वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, पद्मासन और वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। वज्रासन में बैठो आप, वज्रासन, वज्रासन पैर मोड़ के, दोनों पैर मोड़ो, ये भैया की तरह,
श्रवण जी की तरह बैठो, कोई भी एक आसन में बैठ गए। मैं आपसे बोल रहा था, अभी तो आपको हम ट्रेनिंग दे रहे थे भस्त्री का, जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है अस्थमा की, ज्यादा बढ़ी हुई है शुगर, जिनको है कैंसर, जिनको बड़ी बीमारियां हैं, वे ऐसे नहीं बैठो, आराम से बैठो, आराम से बैठो, उधर आ जाओ, उधर खाली फोटो के लिए नहीं आते, ऐसे आराम से बैठो, खाली फोटो काटने के लिए आराम से बैठ के योग करो, ऐसे फोटो भी आ जाएगा, योग भी हो जाएगा। हाँ बैठो बैठो बैठो, मेरे साथ करने के लिए मैंने वैसे उन्हीं को बुलाया हुआ है जो रोज योग करवाते हैं, करने वाले तो सब हैं। तो आज आप माता जी फंस गई हो, अब आपको आज से रोज योग कराना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा। हाँ योग की कक्षा लो। हाँ अच्छा बताओ, कुछ भी कराने के लिए स्किल चाहिए, इंजीनियरिंग का बेसिक स्किल होता है, उसको क्या बोलते हैं, आईआईटी है ना, आईटीआई, हाँ आईआईटी जो भी है, तो जो भी है पहले थोड़ा सा छोटा मोटा भी कुछ आए। आपको प्लम्बरिंग करनी है तो छोटा मोटा स्किल आना चाहिए ना, आपको दीवार बनानी है तो उसके लिए स्किल आना चाहिए, आपको प्लास्टर करना है उसके ऊपर पेंट करना है तो स्किल आना चाहिए। यह अलग बात है कि अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान को थोड़ा स्किल सिखा देते हैं, वो शूटिंग के लिए होता है वो कोई भी काम के लिए। हाँ अभिनय भी तो एक स्किल है, एक्टिंग, उसके लिए भी स्किल है, कैसे डांस करना, कैसे किसी चीज को परफॉर्म करना। खाना बनाना एक स्किल है, खाना बनाने का स्किल नहीं आता तो खाना कैसे बना पाएंगे, दाल रोटी सब्जी बनाने का भी एक स्किल है, नहीं तो रोटी सीधी गोल गोल नहीं, उल्टी पुल्टी होगी, पूरा वर्ल्ड का नक्शा बन जाएगा। कपालभाति करो। योग कराने के लिए कितना बेसिक स्किल चाहिए, योग कराने के लिए करीब 100 चीजें आपको सीखनी पड़ती हैं, ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वरुण मुद्रा, शक्ति मुद्रा, अपान मुद्रा, मुद्रा हो गई, आसन हो गया बैठ करके करने वाले, फिर रोगोपचार के लिए आसन हो गए, मोटापा के लिए, मधुमेह के लिए, मेरुदंड के लिए, स्पाइनल कोड के लिए, आसन, चलो करो सब करो, कपालभाति करो, फिर सूर्य नमस्कार, योगिक जोगिंग, दंड बैठक, फिर अलग अलग प्राणायाम, ध्यान, तो इतना स्किल सीखने में कितना दिन लगता है, इतना स्किल सीखने में 7 दिन, रोज 10-10 भी चीजें सीखो तो 7 से 10 दिन में आप अच्छे से ये ट्रेनिंग ले सकते हो, और फिर जो सीखा उसको औरों को सिखाओ, कितनी अच्छी बात है ये है? और फिर बोलो भाई जिनको ज्यादा रोग है वो कपालभाति, अनुलोम विलोम घर में ज्यादा करो, अर्थराइटिस है तो सूक्ष्म व्यायाम ज्यादा करो, ऐसे फिर थोड़ा उनको एडवाइस कर दो, खाने पीने पर नियंत्रण बताओ। योग एक संपूर्ण जीवन शैली है, एक स्वस्थ वैज्ञानिक जीवन शैली है, योग इज नॉट ओनली एक्सरसाइज, योग इज नॉट मेनली पॉस्चर्स, योग इज नॉट ओनली मेडिटेशन, द होल लाइफ इज योगा, ईच एंड एवरी ब्रेथ इज योगा, each and every pure action is yoga, whatever you are doing in your life with concentration, with purity, that's everything called yoga. योग में बड़ा दर्शन है, सुबह उठने से लेकर सांझ सोने तक जो भी हम करें वो बात प्रामाणिकता से करें, एकाग्रता, सच्चाई, पवित्रता से करें। ऐसे कपालभाति अधिक करना है, इसलिए मैं अधिक करवा रहा हूं, अनुलोम विलोम अधिक करना है। आज यहां इस योग कक्षा
जो ललित कला भवन जम्बूरी मैदान वर्ली में, इतने कितने वर्ष हो गए यहाँ इस कक्षा को? डेढ़ वर्ष से कर रहे हैं, 2 साल 5 महीने से कर रहे हैं, तो एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। ऐसे पूरे देश में 10, 20, 50, 100, 200 जहां भी जितने इकट्ठे हो सकें, लोगों को सामूहिक योग करने की आदत डालनी चाहिए। उससे 2-3 फायदे हैं। एक, अकेले हो नहीं पाता, देख देख के कर लेते हैं साथ साथ। मनुष्य की प्रकृति है, हम सामाजिक प्राणी हैं, हम सामूहिकता में जीने वाले आत्माएं हैं। हम पति पत्नी इसलिए तो साथ में रहते हैं, बच्चों के साथ इसीलिए तो रहते हैं, गुरु के साथ शिष्य, शिष्यों के साथ गुरु, इसीलिए तो जुड़े रहते हैं। अरे आप मनुष्य क्या, भेड़ बकरियां, शेर हाथी, मधुमक्खी चींटियां, चींटी से लेकर के हाथी तक सब किस में रहते हैं? झुंड में रहते हैं। तो हमारी मनुष्य की जो सहज आत्मा की, नॉट ओनली ह्यूमन बींग, जो प्राणी मात्र की, ईच एंड एवरी सोल, सब आत्माएं यूनिटी में रहना चाहती है। यूनिटी बढ़ती है, और योग का अर्थ जोड़ना भी है, और योग का अर्थ भगवान से जुड़ना भी है। दूसरी बात, जब एक साथ योग करते हैं ना, तो उससे पॉजिटिव वाइब्रेशंस आते हैं, उनका बड़ा इफेक्ट होता है। तीसरी बात, जब हम मिलजुल करके रहेंगे तो हमारा समाज, राष्ट्र संगठित रहेगा। राष्ट्रीय एकता के लिए जरूरी है। यहाँ हमारी योग शिक्षिका बहन यशोदा जी, भाई संदीप जी, संदीप किधर है? इधर है, इधर है। युवा भारत का जिला प्रभारी भी है संदीप जी। फिर दयानंद जी, ये दयानंद है, ये गिलोय लेके आ रहा है, ठीक है, इसको तो मैं ही लेके जाऊंगा, आज पीना है ना, ये 2 आदमियों के लिए डोज हो गया है। कौन इधर बैठ जा, पीछे बैठ। तो ये 2 आदमियों के लिए, ये वैसे तो इतना जो डोज है ना, फुल फैमिली के लिए पर्याप्त है, फुल फैमिली का डोज हो गया है इतना, जो हमारे भाई सुधीर मोरे जी लेके आए अभी, दयानंद जी, दयानंद जी लेकर के आए। गिलोय में नहीं बोलते इसको, क्या बात है, जोरदार ताली बजाओ दो भाई। एक तो महर्षि दयानंद हमारा गुरु है, हमारा दयानंद चेला भी है, जो हाँ अमृत बल्ली बोलते हैं, अमृत बल्ली बोलते हैं, अमृता बोलते हैं, तिपतिग्गा बोलते हैं, गड़ो बोलते हैं, गिलोय बोलते हैं, चलो जो भी बोलते हैं, देखो ऐसे, ये एक फैमिली के लिए पर्याप्त है इतना, फुल फैमिली। फैमिली क्या माने, एक एक बालिश था ना, इसको एक बालिश बोलते हैं, एक बालिश से एक आदमी के लिए पर्याप्त है, तो इसमें तो ये 4-5 आदमी के लिए हो गया इतना। इसको छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सी में थोड़ी देर करके छोटे छोटे टुकड़े कर दो। पहले तो सब घरों में वो होता था ना, लोहे का कूटने वाला, क्या बोलते हैं, इमाम दस्ता बोलते हैं हिंदी में, खलबत्ता। वो खलबत्ता में कूट के, और उसके बाद उसको थोड़ा अच्छे से पानी में डाल के रात को भिगो दो, सुबह पकाओ तो ज्यादा अच्छा है। सभी कैंसर पेशेंट को भी देते हैं, अच्छी बात है। सब कैंसर पेशेंट के लिए गिलोय और ये व्हीट ग्रास, ये व्हीट ग्रास, ये एलोवेरा, ये गिलोय देखो ऐसे बांटते हैं सबको, इसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं तो जिंदा रहता है, कितना अच्छा कर रहे हैं। तो ये गिलोय का ऐसा ये श्रेष्ठ रूप मुंबई वालों ने बनाया, अभी इसमें एक में 3-4 हो गए हैं, अभी 3-4 पौधे बन जाएंगे। ऐसे लाखों गिलोय पूरे मुंबई में हमारे योग शिक्षकों ने बांटे हैं, सबके लिए जोरदार अभिनंदन। बहुत बांटा है, एलोवेरा बांटते हैं, व्हीट ग्रास बांटते, बताओ ये पैदा कहाँ करते हो भाई? करजत और मुरवाड़ में, ऑर्गेनिक है, क्या बात है।
तुलसी भी है इसके अंदर। फिर ये कितने रुपए में देते हैं? तो कैंसर पेशेंट को फ्री में देते हैं, बाकी को कॉस्ट में देते हैं। नहीं तो वहाँ खेत खेतर करना, उसको आदमी रखना, काटना बांटना, थोड़ा कॉस्ट आता है। तो इसको ऐसी चीज़ों को प्रोत्साहन देना चाहिए। अभी तो अमेरिका में मैं देख रहा था कितने रुपए में वो नीम का दातून कितने रुपए में बिकता है आजकल, 700 रुपए भारत के अनुसार। वहाँ तो डॉलर में थोड़ा कम होता है, $10। वीट ग्रास भी बिकता है $10 में, दातुन बेच रहे बताओ अमेरिका में। किसका? नीम का, बबूल का इंपोर्ट कर, वो इंपोर्ट करते हैं और फिर वहां बेचते हैं। वहां तो नीम होता नहीं, कुछ एरिया कुम होता होगा जहां गर्म है, वहां नीम और बबूल का दातुन बेच रहे हैं। अभी पूरे देश में हमको दंत कांति का प्रचार करना है, केश कांति का प्रचार करना है, गिलोय का प्रचार करना है, जड़ी बूटियों का प्रचार करना है, नेचुरल प्रोडक्ट्स का प्रचार करना है। बहुत बड़े बड़े काम है। तो भाई दयानंद जी, सुधीर मोरे जी और लावण्य शंका और प्रदीप चौहान, ये बात अच्छे कार्यकर्ता हैं, हमारे सबके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। और वीट ग्रास गिलोय इसी में लगा हुआ है पूरा ये दयानंद। तो और हमारे बाकी सभी अलग अलग कार्यकर्ता जो अलग अलग जगह कपाल भाती करते रहो, योग की कक्षाएं लेते हैं। ये जैसे श्रवण जी को मैंने पूछा, मैंने कहा तुम किधर लेते हो, बोले इधर पड़ोस में ही बोरीवली में लेते हैं। अब दूसरी बार यहाँ नहीं आऊँगा, दूसरी बार दूसरी कक्षा में जाऊँगा। हाँ तो अलग अलग जगह है, जब भी मुंबई में कभी रहना हो। वैसे तो अभी मैं शिविर रख रहा हूँ पूरे देश में, रेसिडेंशियल शिविर हरिद्वार में, और पूरे देश में 365 दिन कहीं ना कहीं मैं रहूँगा। बीच में एक दो दिन शिविर नहीं होता है, उस दिन कक्षा में जाऊँगा जब फ्री योग क्लासेज होती है। और अब इसका स्वरूप भी और बड़ा करने वाला हूँ मैं। जो भी नई कक्षाएँ शुरू हो रही हैं वो इन्फॉर्मेशन भेजेंगे अपने सभी जगह सारे संगठनों के अपने साइट्स बने हुए। तो अपने भी यहाँ पर क्या क्या युवा भारत का और भारत स्वाभिमान का वेबसाइट बना हुआ है। हाँ तो आप लोग जो है साइट के ऊपर अपने कक्षाओं की भी सूची है। तो नई कक्षाएं उसमें ऐड होती जाएंगी। लोग उस पर सूचना दे के हमने यहाँ कक्षा शुरू कर दी है, उसका फोटोग्राफ, उसका एक ऐप भी बनाया है। तो उसको हम थोड़ा टेक्निकली साउंड करके जितने भी नई कक्षाएं बन रही हैं उनको हम और प्रमोट करेंगे। उसके लिए कई उपाय मैंने सोचे हैं, अभी सुबह सुबह मेरे दिमाग में आया है। तो उसको और प्रमोट करना है, प्रोपोगेट करना है, प्रचारित करना है, लोगों को प्रोत्साहित करना है, इंस्पायर करना है। और मैं उसको अपने मेरे फेसबुक ट्विटर, उससे आप लोग जुड़े हुए हो ना, सब लोग जिन्होंने अभी तो एक ऐप भी बना दिया है, वो ऐप के अंदर सब कुछ आपको एक साथ मिल जाता है ना। फेसबुक ट्विटर पर भी जुड़े रहो, उसके साथ आपको कुछ नई नई चीजें जो अभी इसमें हम अपग्रेड कर रहे हैं वो जोड़ते जाएंगे। अभी भाई शांता कुमार जी वसई पालघर जिला ने 88 योग शिक्षक बनाए हैं और उसमें 70 योग कक्षाएं नियमित रूप से चल रही हैं। वसई तहसील पालघर जिला, इधर आओ, इधर आ जाओ। ये चित्रकला का बहुत बड़ा आर्टिस्ट भी है, हा? क्या बात है, बैठ जाओ, इधर ही बैठ जाओ, इधर बाबू इधर आ जाओ, आप आद्या इधर आ जाओ, आगे बैठ जाओ। तो ऐसे कार्यकर्ताओं के ऊपर हमें बहुत गौरव है, जोरदार अभिनंदन करो भाई शांता कुमार। ऐसे आप में से मैक्सिमम भाई बहन
इस सेवा को। देखो हम लोग सुबह सुबह है? कपाल भाति हो गया, अनुलोम विलोम करो थोड़ा। सुबह सुबह घर से बाहर निकले, ये घरों में घुसे रहने की आदत है ना, उसी जिंदगियां ठहर गई हैं, जड़ता आ गई है। एक जगह पानी भी ठहरे तो सड़ जाता है, जिंदगियां भी सड़ रही हैं। अनुलोम विलोम करो। करो, लगातार करो, ऐसा अभ्यास बनाओ कि रोज हम कपाल भाति अनुलोम विलोम तो सुबह सुबह सबसे ज्यादा करें। इससे पूरे बॉडी की, माइंड की, थॉट्स, इमोशंस, एक्शन की एक पूरी फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव मोड पर आ जाती है। बॉडी का पूरा साइकिल डिवाइन मोड पर आ जाता है। डिवाइन बॉडी, डिवाइन माइंड, डिवाइन थॉट्स, डिवाइन इमोशंस, डिवाइन एक्शंस, लाइफ डिवाइन, ये है। दिस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ योगा। ऐसे लय के साथ ऐसे करते रहो तो अपने आप जीवन ऊंचा ही ऊंचा उठता चला जाएगा। रोग तो होंगे ही नहीं आपको, और हैं तो मिट जाएंगे। थोड़ा ज्यादा करना कपाल भाति अनुलोम विलोम। जो जवान है ना, देखो इधर जवानों, कुछ आप में यंगस्टर्स हैं, ऐसे भस्त्रिका तेजी से कर लेना। हमारे अलग अलग क्लासों में मुस्लिम भाई भी आते हैं, अभी भी अलग अलग जगह, पूरी मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में। सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है? अब्दुल सावंत। बात अच्छी बात। ऐसे सबको अब ये भस्त्रिका करेंगे, कपाल भाती करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे, तो बॉडी में कोई रोग नहीं होगा, कोई स्ट्रेस नहीं होगा, मन खुश रहेगा, तबीयत अच्छी रहेगी, तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी। तो ये तो सबकी जरूरत है, ऐसा सबको योग करना कराना है। आज की योग कक्षा को अब पूरा करने से पहले देखो दो चार बातें बता देता हूँ जीवन शैली के बारे में। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, और जिनको बहुत ज़्यादा अपनी फिक्र रहती है तो वर्जिन क्वालिटी का अपना कोकोनट ऑयल आता है, वो एक चम्मच सुबह सुबह ले लिया करो। जिंदगी भर आपके मसल्स अच्छे रहेंगे, स्किन अच्छी रहेगी, हार्ट अच्छा रहेगा, आपकी हड्डियाँ अच्छी रहेंगी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। देखो सुबह सुबह उठ करके क्या क्या ले सकते हैं, करते रहना आप। जिनको कपाल भाती, अनुलोम विलोम, जो भी अच्छा लग रहा है करते भी रहो और मेरी बात सुनते रहो। सुबह सुबह आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, व्हीट ग्रास, अभी मैंने बताया वर्जिन कोकोनट ऑयल, लहसुन, जिनको आर्थराइटिस है, किसी किसी को गर्म पड़ता है तो उसको रात को पानी में भिगो दो और फिर सुबह ले लो, फिर भी किसी को गर्म पड़ता है, जैसे मेरी पित्त प्रकृति है, मैं तो लहसुन खाता नहीं वैसे, लेकिन ऐसे मैंने कहा कि चलो सबको बताते हैं तो खा के तो देखते हैं होता क्या है। तो मेरी पित्त प्रकृति है तो पता लगा, उससे पित्त प्रकृति वालों को गर्म पड़ता है तो उनको फिर नाश्ते के बाद लेना चाहिए। ऐसे ही पका हुआ लहसुन ज़्यादा गुणकारी नहीं होता है, लहसुन प्याज स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं, सीमित मात्रा में लें। अब जिनको जो है परंपरा विशेष से वैष्णव हैं, कुछ स्वामीनारायण को मानते हैं, हमारे जैसे जो गुरुकुलों में पढ़े हुए हैं, लहसुन आदि नहीं खाते, तामसिक मानते हैं उसको, लेकिन औषध है तो खाली पेट ये चीज़ें ले सकते हैं। लौकी का जूस, खीरा कर रहे, टमाटर का जूस, ये सुबह सुबह ये दिनचर्या हो गई, इसको बोलते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल। अब जैसे हमारे अब्दुल भाई ना,
अब्दुल भाई आप ये एलोवेरा पिएंगे तो आपका वेट भी नियंत्रित होगा, जोड़ों में दर्द नहीं होगा, और एलोवेरा पीने से मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई सेक्सुअल डिजीज नहीं होती, वीकनेस नहीं होती है। एलोवेरा जेल लगाने से चेहरा कितना अच्छा रहता है, कोई केमिकल लगाने की जरूरत नहीं। मैं रोज तो नहीं लगाता लेकिन 10-15 दिन में एक ही बार लगा लेता हूँ, तब भी मेरा चेहरा कितना चमकता है। कोई मुझे जो है फाउंडेशन, फेस पैक, स्क्रब, सिकारा फिकारा, किसी भी तरह का कोई कॉस्मेटिक, मेकअप कुछ नहीं लगाना पड़ता, कोई मेकअप नहीं। मैं रोज ये योग करता हूँ और कभी कभी एलोवेरा लगा लेता हूँ। कपाल भाती अनुलोम विलोम करने से भी तेज बढ़ता है। तो ये एलोवेरा पीने के लिए ताजा, देखो एक तो पतंजलि का मिलता है आंवला एलोवेरा, इसको ताजा पीना है तो क्या करना, इधर से काटा, साइड से काटा, फिर इसका गुद्दा निकल जाता है ऐसे, चलो ऐसे करके फिर चाकू से ऐसे निकाल, इसको मिक्सी में घुमा दो और तुरंत पी जाओ इसको। यदि आपने आधा घंटा भी रख दिया ना तो इसमें खमीर जैसा पैदा हो जाता है, बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो होते हैं इसके अंदर, लेकिन पैक रहेगा तो नहीं होंगे। ये सबसे ज्यादा फास्ट बैक्टीरिया ग्रो इसी के अंदर होते हैं, तो इसलिए बनाते ही पी लो, इतना अच्छा रहता है, इससे तो ताकत बढ़ जाती है बहुत ज्यादा। सुबह सुबह ये ले लो, फिर आपको हमने सुबह उठ के दंत कांति करने से लेकर के सुबह का मंजन, दंत कांति मंजन भी बना रखा है, दिव्य दंत मंजन भी है, सुबह का मंजन, आंखों का अंजन, हाँ हमने बहुत अच्छी बना रखी है वो पतंजलि काजल भी, कुछ भी ऐसा नहीं है। पूजा पाठ की सामग्री से लेकर के ब्रेकफास्ट से लेकर के आटा नमक दाल चावल घी तेल से लेकर के केश कांति दंत कांति बाथिंग सोप, फिर एलोवेरा से लेकर के और वाशिंग पाउडर, हर्बल वाश, हर्बो वाश, सामान्य कपड़ों के लिए, महंगे कपड़ों के लिए लिक्विड, जो बहुत ही महंगे कपड़े हैं, सिल्क आदि की आपकी साड़ियाँ 25-10 हजार की, उनको सोम्य लिक्विड डिटर्जेंट बना रखा है ना, उसका यूज करो। फिर बर्तन साफ करने के लिए पतंजलि डिशवाश बार, वो तो दुनिया में क्रांति हो गई, विदेशी कंपनियों के जो क्या क्या नाम थे, बिम बार और जीप चिप, पता नहीं क्या, और इधर जीप सिप, पता नहीं जो भी है। अभी आप में से डिश पतंजलि सुपर डिशवाश बार का कितनी माँ बहन बेटियां प्रयोग करती हैं, ये तो मैक्सिमम करते हैं, जबरदस्त है, हाथ खराब हो जाते हैं जो बाजार वाला डिशवाश बार यूज करके, सब केमिकल्स हैं उसके अंदर, और पतंजलि वाले में क्योंकि राख नीम और नींबू है उसके अंदर, तो जिनके हाथ खराब हो गए थे वो केमिकल वाला डिशवाश बार यूज करके, उनके हाथ भी एकदम ठीक हो गए, बर्तन की सफाई और हाथ की स्वच्छता स्वस्थता दोनों एक साथ, हमने इसे क्या क्या नहीं बना रखा, हमने हर चीज बनाई है हमने। फर्श धोने के लिए गुनाइल, फिनाइल यूज कर करके उससे फर्श भी बेकार हो जाता, हाथ भी बेकार हो जाते, इन छोटी छोटी चीजों का इस्तेमाल किया करो, खूब प्रचार किया करो। और सबको एक छोटी सी बात बताओ कि ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के जितने भी विदेशी कंपनियां हैं, इन्होंने देश का नुकसान किया, हजारों लाखों करोड़ लूटे, देश को गुलाम बनाया। 1857 की आजादी की लड़ाई हमने किसी हुकूमत के खिलाफ नहीं, किसी मुगल बादशाह या ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं लड़ी, किसके खिलाफ थी 1857 की प्रथम आजादी की लड़ाई, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ थी। वही कल्चर, वही नेचर आज यूनिलीवर का है, लक्स, लाइफबॉय, फेयर एंड लवली, क्लिनिक प्लस, डव, ये सब उसी के बच्चे कच्चे हैं, एक ही कंपनी के ब्रांड्स हैं ये, कोलगेट, ये भी आजादी के पहले की है, सारे क्लोजअप, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट और सेंसोडाइल, जो भी है ये सब विदेशी ब्रांड्स हैं। तो अपने घरों में और देश में ऐसे हम स्वदेशी का प्रचार करें, योग, आयुर्वेद, स्वदेशी, प्रकृति,
इन्वायरमेंट नेचर इसके साथ इन्वॉल्व होकर के कितना अच्छा काम कर रहे हैं आप सब, गिलोय बांट रहे हैं, पेड़ पौधे जड़ी बूटियाँ बांट रहे हैं, वीट ग्रास बांट रहे हैं, ऐसी चीज़ों को प्रोत्साहन देना है। ये देश का जो मूल स्वभाव है, जो मूल प्रकृति मूल संस्कृति है, उस तरफ हमें लेकर के आना है देश को। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो मैंने नियम लिया हुआ है तो आप वापस मुझे अगले कार्यक्रम जाना है, क्योंकि मैंने अपॉइंटमेंट दे रखे हैं, अभी 8 बजे से मुझे लोगों से मिलना है। तो जरा गौर से सुनो, मैं ये मानता हूं कि मैं एक व्यक्ति नहीं हूं, मैं भारत माता की संतान हूं, मैं इस मादरी वतन का बेटा हूं। हम सब इसको मादरी वतन बोले, मदरलैंड बोले, इस भारत माता की संतानें हैं। हमारा ये धर्म है कि हम 1 घंटा अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, सबके स्वास्थ्य के लिए, सबके जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए दें। तो जैसे मैं 365 दिन योग कराने के संकल्प के साथ जीता हूं, तो आप भी 365 दिन योग करें और कराएं। आप कर रहे हैं, आप कराएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे, ऐसे मुझे विश्वास है। और हमारे सभी कार्यकर्ता, सब भाई बहन, आज उनको बहुतों को खूब आनंद है, किसी को पता नहीं था कि मैं कभी जिंदगी में इधर इस ललित कला भवन में जांबूरी मैदान के वर्ली में आऊँगा। तो शाम को जब बहुतों को पता लगा तो काफ़ी देर तक तो नींद ही नहीं आई एक्साइटमेंट में, और सुबह 3 ही बजे उठ गए। है जी, यज्ञ भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है, योग के साथ यज्ञ भी कराते हैं, उससे पॉल्यूशन को मिटाते हैं, और सप्ताह में 2 बार संडे के दिन तो अच्छा है उसको करते हैं, बहुत अच्छी बात है। 235 साधकों ने भाग लिया, अभी 100 लोग नियमित रूप से रोज यज्ञ भी करने लग गए हैं, बहुत अच्छी बात। और जो कार्यकर्ता नियमित सेवा दे रहे हैं उनके एक बार सुरेश भाई नाम भी ले देंगे, एक बार उनका प्रोत्साहन हो जाएगा। क्या बोल रहे थे बेटा, क्योंकि अब समय नहीं है, मेरे को घड़ी की तरफ देखा ना तो 8 बजे मैंने बहुत बड़े बड़े कुछ अपॉइंटमेंट दे रखे। कहां पर? संत ज्ञानेश्वर स्कूल में। कौन कराता है बेटा, क्या नाम है? इधर आ जा। क्या नाम है? वर्षा। वर्षा बहन ले तेरे को अभी तो उपहार में देने के लिए मेरे पास यही है, इंटरनेशनल चैंपियन है योग में। इधर बैठ मेरे पास आ जा बाबू, अब तुम अम्मा के पास इधर आ जा, इधर बैठ जा, बैठो बैठो, आ जा आराम से बैठ। सुबह से योग कर रही है ये। क्या नाम है आपका? वर्षा शर्मा। वर्षा के लिए जोरदार तालियां हो जाए। 500-600 लोग रोज आते हैं रोज, और उनका नियम है एग्जाम बाद में पहले योग करते हैं, योग एग्जाम के समय भी योग करते हैं, उससे स्ट्रेस फ्री होकर के अच्छे से एग्जाम देते हैं। तो ऐसी हमारी वर्षा जैसी बेटियों पर हमें बहुत फक्र है, जोरदार तालियां। बॉम्बे की फर्स्ट योग प्रचारक में थी। अच्छा, क्या बात है, बहुत आशीर्वाद, खुश है बेटा वर्षा। ओम। हम मुंबई की तरफ से महाराज श्री के चरणों में सत सत नमन करते हैं। आप सभी की गुरु निष्ठा को, गुरु भक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं नमन करता हूँ। और आज हमारी जो गुरु जो निष्ठा है उसका ये परिणाम है कि हमारे गुरु और जो हमारी योग क्लास में आए हैं, तो हमें गुरु ही नहीं, हमें भगवान मिल गए, हमें हमारे भगवान है। दो तरह के भगवान होते हैं, परमपिता परमेश्वर जिसने किसी को देखा नहीं, और एक होता है प्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष। एक जिसने किसी को देखा नहीं, परमपिता परमेश्वर का नाम हम जपते हैं, और एक भगवान होता है जो हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। तो ऐसे हमारे गुरुवर जो हमारे भगवान के रूप में हैं, और गुरु ही भगवान ही अपने शिष्यों के पास चल करके आते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां। आप सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये क्लास और पीछे वाले ऐसे खड़े हो जाओ पूरे। इस योग क्लास को पहले चलाने वाले आदरणीय भाई किशन जी व दयानंद जी, जिन्होंने यहाँ पे पहले क्लास चलाई और बाद में दूसरे बहन भाइयों को हैंड ओवर करके आगे निकल गए।